झारखंड के टाटा नगर से कटिहार के लिए एक नई ट्रेन चलाई गई और बिहार को जब यह ट्रेन आई तो पैसेंजरों ने इस ट्रेन को देख करके अपना उत्साह जाहिर किया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में जो कि झारखंड से बिहार के लिए चलाई गई। हालांकि दोनों दिशाओं में यह ट्रेन चलेगी, तो चलिए इस ट्रेन का पूरा डिटेल्स हम आपको देते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। कटिहार के लिए यह ट्रेन शुक्रवार व सोमवार की दोपहर 2 बजे रवाना की जाएगी और दूसरे दिन सुबह यह ट्रेन 6:20 पर पहुंचेगी। यह ट्रेन है टाटा नगर से कटिहार के बीच चलने वाली टाटा नगर कटिहार एक्सप्रेस ट्रेन, जिनका संचालन शुरू हो चुका है। यह ट्रेन रात में 9:25 पर टाटा नगर स्टेशन से रवाना की गई और इसी दौरान कई बड़े अधिकारी मौजूद। ट्रेन रात 9:25 पर टाटा नगर से बुधवार और शनिवार को प्रत्येक दिन चलेगी कटिहार के लिए और यह एक स्पेशल ट्रेन होगी, जबकि दूसरे दिन यह ट्रेन दोपहर 2:55 पर कटिहार पहुंचेगी। हालांकि दोनों ही दिशाओं में यह ट्रेन केवल सप्ताह में 2 दिन चलेगी। कटिहार से यह ट्रेन शुक्रवार और सोमवार की दोपहर 2 बजे रवाना की जाएगी और दूसरे दिन 6:20 पर पहुंचेगी, जैसा कि हमने आपको बताया। दोनों ही दिशाओं में यह ट्रेन का संचालन हो जाने से बिहार और झारखंड के यात्रियों को एक और नई ट्रेन मिल गई है। हालांकि यह ट्रेन केवल 2 दिन चलेगी और इसी मौके पर सांसद ने कहा है कि जनता की बहुत पहले से यह मांग थी कि टाटानगर से कटिहार के लिए एक नई ट्रेन मिलनी चाहिए जिसका नियमित रूप से परिचालन होगा। हालांकि नियमित रूप से यह ट्रेन नहीं चलेगी, इसके बावजूद भी लोगों को इस ट्रेन से सीधा जुड़ाव हो पाएगा बिहार से झारखंड के बीच, खासकर झारखंड से उत्तर बिहार तक इस ट्रेन के माध्यम से जा सकेंगे। अब इसी दौरान रेलवे से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर के कई और सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत की जा सकती है। इससे पूर्व कटिहार के लिए एक लिंक एक्सप्रेस ट्रेन जो कि टाटानगर से छपरा के साथ जाती थी, इसे लिंक में डिब्बे कम रहने के कारण बड़ी संख्या में कटिहार के रास्ते उत्तर बिहार जाने वाले लोग वंचित रह जाते थे। इसके साथ ही इस लिंक ट्रेन के कारण बरौनी में अक्सर विलंब हो जाता था और अब यह ट्रेन झारखंड से उत्तर बिहार तक सीधे जुड़ जाएगा और इस ट्रेन का नंबर भी अब बदल चुका है। पहले यह ट्रेन दूसरे नंबर के साथ चलती थी, जबकि नियमित रूप से यह ट्रेन 18181 के साथ चलाई जाएगी। सांसद ने इस ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित दक्षिण पूर्व रेलवे के कई बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद थे और इस ट्रेन को यहां से रवाना किया गया। उम्मीद करते हैं कि आप जब भी सफर करेंगे टाटा नगर से कटिहार के बीच, तो इस ट्रेन से सफर अवश्य कीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। या अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं।